2014 में कहा गया हर साल 2 करोड़ रोजगार मुहैया होंगे, तो 16 करोड़ रोजगार मुहैया हो जाने चाहिए थे, हो गए वो। पद बढ़ गए 11%, भर्ती घट गई 5%। इसको समझाइए ना, गलत जानकारी मत दीजिए। 17.5 साल उम्र थी, 17.5 से 21, वो भी आज वही है। एक साल के लिए रिलैक्सेशन दी है कि 23 साल तक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी बसों में वो लिखा होता है कि सवारी अपने जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। तो आज की तारीख में हालत कुछ ऐसी हो गई है कि रोजगार के लिए युवा खुद ही जिम्मेदार हो गया है क्या? सरकारों की, और सरकारें कह रहा हूं, केंद्र या राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं रोजगार मुहैया कराने की? संदीप जी, ये जो स्वरोजगार के अवसर है ये कौन प्रदान करेगा? जब आपने अपने आप अभी आंकड़ा दिया है कि PLI में लगभग 2 लाख करोड़ का सरकार इंसेंटिव देगी और उससे 60 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे अगले 5 साल में, तो यह जो सरकार की स्कीम है उसी के कारण तो स्वरोजगार है। पहले एक चीज क्लियर कर ले हम कि स्वरोजगार भी रोजगार के अवसर में आपके अनुसार होता है या नहीं है। अगर इस पे डिस्प्यूट है तो फिर तो हम अलग-अलग विषय पर चर्चा करें। मैं इसीलिए नौकरी और रोजगार में थोड़ा फर्क कर रहा हूँ। आपने ये अच्छी बात कही, PLI इंसेंटिव स्कीम में 5 साल में 60 लाख रोजगार मुहैया हो जाएंगे। उसी तरह से जैसे 2014 में कहा गया हर साल 2 करोड़ रोजगार मुहैया होंगे, तो 16 करोड़ रोजगार मुहैया हो जाने चाहिए थे, हो गए वो? नहीं तो सर, वही तो, जब वो किए 35 करोड़ आपने मुद्रा लोन की बात की, 30-35 लाख लोगों को हम लोगों ने रेडी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर स्कीम में पैसा दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। अब अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इतने सारे नए स्कीम्स इंसेंटिव ला रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर, 8 साल में 16 करोड़ रोजगार मुहैया हो गए। बिल्कुल, 35 करोड़ अगर लोन दिए हैं, अगर इतने सालों में 35 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिले हैं, तो आप उसमें आधे भी रोजगार उत्पन्न नहीं मानोगे क्या? अच्छा, उसमें हमने ये पहले भी बात की है कि 35 करोड़ पूरे देश में हाउस होल्ड्स, परिवार ही 26 करोड़ हैं, एक ही परिवार में कईयों को लोन मिल गया, तो एक परिवार में दो दो लोगों को भी रोजगार के अवसर मुहैया हो गए, आप ये कह रहे हैं? या वो दोबारा भी लोन मिलता है, शिशु लोन है, 97% मुद्रा लोन तो शिशु लोन है, 28,000 रुपये औसत है, 28,000 में सारी जिंदगी भर के रोजगार की व्यवस्था हो गई है 97% लोगों की? मैं तो कह ही रहा हूँ कि 35 करोड़ में 35 करोड़ रोजगार की सृजन नहीं हुई है। 35 करोड़ में भी कुछ संख्या है जो रोजगार की सृजन करेगी। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में अब लगभग 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से जो रोड बन रहे हैं, जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, जो वाटरवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, वह क्या बिना रोजगार सृजन किए कुछ हो रहा है? मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में जो ODOP स्कीम है उसके अंतर्गत इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, इतने सारे काम हो रहे हैं, ये क्या बिना रोजगार के अवसर के कभी हो सकता है? रोजगार और स्वरोजगार कोई भी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से सीधा रिलेटेड है। ठीक है, रोजगार की हम बात कर रहे हैं गोपाल बाबू, नौकरी की कर लेते हैं थोड़ी, नौकरी पर भी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए ना। हाँ, नौकरी तो एक मिनट, सरकार का आंकड़ा है 9,80,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं, इनको भरने में क्या परेशानी है? नहीं, इसको तो सरकार ने कहा, ये देखिए 2-3 परेशानियां हैं, मैं आपको बता दूं। 2010 में ये मॉरेटोरियम निकाला था कांग्रेस की सरकार ने, उसका इसका एक रीजन था, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता, उसका रीजन था कि बहुत सारे PSUs और कई जगह डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग हो गई थी, तो उसके अनुसार कुछ सरकारों ने पहले इसको मॉरेटोरियम दिया था, धीरे धीरे हमने वो मॉरेटोरियम हटाया। लेकिन प्रदेश सरकारों में जो आपने अभी 60 लाख रोजगार की स्थिति का बताया कि जगह जगह पे अवेलेबल है, उसके लिए एक फाइनेंसिंग की भी आवश्यकता होती है, बजट की भी आवश्यकता होती है। अभी आप देखिए कुछ जो प्रदेश सरकारें जो इकोनॉमिक तरीके से डिसीजन नहीं लेती, पेंशन की सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण बदलाव रिफॉर्म के रूप में लाए थे, क्योंकि आज के समय में पेंशन की जो कॉस्ट है सरकार के ऊपर वह कई जगहों पे
सैलरी से ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसका रिफॉर्म लाया था। अब ये जो कुछ प्रदेश सरकारें हैं जो विपक्ष की, वह राजस्थान और कई नहीं, नहीं केंद्र की बात करते हैं ना, देखो रायता फैल जाता है गोपाल बाबू, केंद्र की बात करते हैं। 2016 में कुल मिलाकर केंद्र सरकार में पद थे 36,30,000 और उन पर कार्यरत लोग थे 32,20,000, यानी कि वैकेंसी 11% थी। वो अब बढ़कर 25% कैसे हो गई, 40,00,000 जॉब्स हैं, 30,00,000 उस पर कार्यरत लोग हैं, तो मतलब पद बढ़ रहे हैं, 36,00,000 से 40,00,000 पद हुए, तो पद तो हैं पर भर्ती घट गई, पद बढ़ गए 11%, भर्ती घट गई 5%, इसको समझाइए ना। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अभी अनाउंस किया है कि हम 10,00,000 जो नौकरियां हैं सरकारी पदों में खाली है, वह एकदम मिशन मोड में उसको पूरा करेंगे। तो मतलब खाली पद, नई नौकरियां नहीं है, ये तो खाली पद है 9,80,000, तो 10,00,000 तो नौकरी की जो बात है वो दरअसल खाली पद भरे जाएंगे। हाँ, तो ये जो 10,00,000 लोगों को नौकरियां मिलेगी जो आप खाली पद है ना, वो मिले। देखिए, या तो बिल्कुल स्पष्ट मैं आपके सामने कह रहा हूँ, जो चीज आप समझ लीजिए कि देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी के बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वही देश की बेरोजगारी की समस्या का समाधान है। आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, आप किसी भी, वो बात सही है, मैं उस छोड़ गोपाल बाबू, मैं आपकी बातों से इत्तफाक रखते हुए रोजगार के मामले में मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर पद खाली हैं और वो पता है, सरकार ने वो पद 36,00,000 से बढ़ाकर 40,00,000 कर दिए हैं, तो जब नौकरियां हैं तो वो पद भरे क्यों नहीं जा रहे, भरे और तो चुनाव आते हैं तो उनको भरने की याद क्यों आती है, यानी कि आप भर सकते थे उन पदों को जो स्पाइक है 8 साल में, वो 2019-20 में 1,47,000 आपने पद दे दिए, वरना 38,000 पद भी मिले, और अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं तो अब भरने की बात याद आ गई। नहीं, कई तरह की समस्याएं होती है, कुछ PSUs हैं जो खराब काम कर रही हैं, जिनके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट में उन नौकरियां तो पद तो हैं लेकिन उन पदों के लिए आवश्यकता नहीं है, कुछ के पास बजट के प्रावधान नहीं है, जहां आवश्यकता नहीं है वहां पद क्यों क्रिएट कर रही है सरकार ने क्रिएट किए है ना ये पद। नहीं, जो जब मैं कह रहा हूँ जो नहीं भरे उसकी बात कर रहे हैं, जो कुछ पद जो खाली रह गए, फिर बजट के प्रावधान की बात होती तो है, अब कैसे भर देंगे, अब 10,00,000 कैसे दे देंगे उन्हीं पदों पर, तो नियुक्ति कर देंगे ना, तो खाली पड़े। एक्सरसाइज की है सरकार ने, एक्सरसाइज की है कि ये 9,80,000 पदों की आवश्यकता है, जो पद भरने के लिए स्थान है, आवश्यकता नहीं है, खाली पड़े हैं, ये हैं वहां पर, सरकार ने ये माना है भर दिए जाएंगे। हाँ। इसमें कुछ रिजर्वेशन की भी इश्यूज होते हैं, SC ST के रिजर्वेशन के भी इश्यूज होते हैं, बजट के प्रावधान के भी इश्यू होते हैं, कई जगह पे बजट के प्रावधान भी देखने होते हैं, सरकार के खर्चे भी क्या होते हैं, लेकिन इस बात तो को अब खर्च की बात नहीं, क्योंकि अब 18 महीने में 10,00,000 नौकरियां दे दी जाएंगी। और देखिए, तो नौकरी की जब आप कहते हैं अग्निवीर की हमने चर्चा की थी कल, आगे बढ़ रही है, एक मिनट गोपाल बाबू, अग्निपथ योजना की हमने चर्चा की थी, बढ़ रही है, अग्निपथ योजना की चर्चा हमने की थी, आपने कहा कि देखिए अग्निवीर इसे नौकरी मत मानिए, बिल्कुल, पर मैं इसको नौकरी के तौर पर देखते हुए सवाल पूछ रहा हूँ। आज भी 80,000 भर्तियाँ हुई थी ना, आखिरी भर्ती 2.5 साल पहले जो हुई, तो 2.5 साल कोई भर्ती नहीं होती, और अब आप 45,000 की भर्ती कर रहे हैं, वो 2.5 साल तो, में तो हो जानी चाहिए थी ना, 1.5 लाख से 2 लाख भर्ती। कारगिल रिपोर्ट को क्यों आप नकार रहे हैं, कारगिल युद्ध के बाद जो एक रिपोर्ट आई थी उसने कहा था कि हमारी एवरेज जो आयु है वो 32 वर्ष है, उसको घटा के 25 वर्ष करना चाहिए, तो कर दीजिए ना 25, तो उसमें 2,00,000 लोगों को बुलाते, 45,000 क्यों बुलाए, 3,500 पद के लिए अग्निवीर वायु में 7,500 आवेदन आए हैं, तो उसका इसका डाउनसाइजिंग कर रहे हैं क्या फौज की, भर्ती कर रहे हैं ना, 17 साल की उम्र से भर्ती शुरू कर रहे हैं, पहले बड़ी उम्र से होती थी, दूसरी बात ये है, नहीं नहीं पहले बड़ी से नहीं होती थी, गलत जानकारी मत दीजिए, 17.5 साल उम्र थी, 17.5 से 21 वो भी आज वही है, 1 साल के लिए रिलैक्सेशन दी है कि 23 साल तक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, भर्ती की प्रक्रिया वही है, आयु सीमा वही है,